बेटा ए बेटा मैं दिया बेटा इस बच्चा को आके बैठा ये सामने इसलिए कि इस बच्चे का रंग मुझसे मिलता जुलता है। हाँ मैं अपने रंग के आदमी को जहाँ देखता हूँ मेरा हौसला बहुत बुलंद होता है ना, कि आने वाली नस्लों में भी मेरे रंग के कुछ बच्चे आए हैं। इसलिए बेटा बैठो, तुम भी बैठो, तुमसे भी मिलना जुलना है ना, बहुत अच्छा है। उसको इसीलिए तुम बेटा पीछे ही रहोगे, इसलिए कि तुमसे एकदम नहीं मिलता है ना। तो मैं कह रहा था कि बच्चों को तीन हिस्से में तकसीम कीजिए बच्चों की जिंदगी को। और यूसुफ है, अच्छा ये तो काफी हर एतबार से ठगा है, अल्लाह इसको भी सुधरने की तौफीक अता फरमाए। बस 5 से 7 मिनट दो तीन बातें। पूरी दुनिया के लोग एक प्लेटफार्म पर आ रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग, मगर ये वाहिद मुस्लिम कौम है जो 14 प्लेटफार्म पे जा रही है। 14 प्लेटफार्म पे, कहीं जमीन का झगड़ा, कहीं खेत का झगड़ा, कहीं खलियान का झगड़ा, कहीं बिरादरी का झगड़ा, बिला वजह कहीं मसलक का झगड़ा। आखिर आप ये बताइए कब तक आप टुकड़ों में बट करके अपनी जिंदगी गुजारेंगे, कब तक? सोचना आपको है, फैसला आपको करना है। आज हमारे दो दो इमाम साहब हैं, एक तो हजरत मौलाना महमूद साहब, ये इतने पुराने हैं कि इनके वक्त का दरख्त आप जमुआ में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। और दूसरे तरफ हजरत मौलाना इनामुल हक साहब, आज अल्लाह रसूल के अलावा मैं किसी से नहीं डरता हूं, लेकिन कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमसे डर जाए। मैं आपसे गलत नहीं कर रहा हूं, मुझको डराने की कोशिश की जा रही है, तरह तरह की धमकियां दी जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं गलत नहीं बोलता हूं, मगर याद रखिएगा इमाम साहब हैं। आज हाल ही है कि अगर इमाम साहब देखिए हाजी मुफ्ती साहब बैठे हुए, इनको भी देखते तो हौसला बुलंद होता है ना, कि इमाम साहब अगर मस्जिद से शराब के खिलाफ तकरीर करते जुमा में तो शराबी नाराज हो जाता, अगर जुआ के खिलाफ तकरीर करते तो जुआरी नाराज हो जाता, अगर जहेज के खिलाफ तकरीर करते तो जिसके बेटे का रिश्ता लगा हुआ है और हराम का 2-3 लाख रुपया लेने के लिए डोकवा फाड़े हुआ है वो नाराज हो जाता है। आपने देखा एक साल आने वाला है, साल भर होने वाला है, अल्लाह ताला कितना नाराज है, कितना नाराज है, कितना नाराज है। सुनो, बुजुर्गों ने फरमाया कि अल्लाह अगर किसी से नाराज होता है तो उससे उसका रिस्क नहीं छीनता है, उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह कितना नाराज, कितना नाराज कि ज्यादा दिन नहीं हुए हमारे लिए मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए गए, बंद कर दिए गए। कल तक मौसी मैक से बुलाता था हैया सलाम आओ नमाज के लिए, तुम टीवी देखते थे, जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, आज हमारे समाज और माशरे का ये हाल है।
कि अगर तुम्हारी मस्जिद के बगल से किसी दूसरी कौम का कोई विसर्जन का जुलूस गुजर जाए तो तुम कहते हो कि हमारा इस्लाम खतरे में है, और जब तुम्हारे बेटे की शादी होती है तुम नाचते हुए डांस करते हुए मस्जिद के बगल से गुजरते हो तो पूरी सब तुम्हारा इस्लाम खतरे में क्यों नहीं है? मौका किसने दिया? मौका आपने दिया। काश मुहर्रम के अखाड़े में मुसलमान मस्जिद के सामने ढोलक नहीं पीटता, बेजू नहीं बजाता, गाना नहीं गाता तो दूसरी कौमें सोचती कि जब मुसलमान खुद अपनी मस्जिद का इतना एहतराम करते हैं तो हम लोगों को भी उसके मजहब का, मस्जिद का, दीन का एहतराम कर सकते। पहले बताना तुमको होगा, पहले समझाना तुमको होगा, तुम कहां जा रहे हो? रुक जाइए, नारा मत लगाइए, टाइम कम है। कहां जा रहे हो मुझको बताओ। आखिर हमारा नौजवान, हमारे माशरे के लोग किधर जा रहे हैं? आप दूसरे को कहते हैं एक मुहर्रम से दस मुहर्रम तक आप या हुसैन कहते हैं या नहीं कहते हैं? बोलो ना। हूँ हाँ। अरे डरो नहीं, बोलो ना। हम कहते हैं, कहो। कहते हैं कि नहीं? लगाते हैं। मगर बोल, मैं कह रहा हूं तुमको या हुसैन कहने का कोई हक नहीं है। तुम सच्चे नहीं, तुम झूठे हुसैनी हो। एक तरफ या हुसैन कहते हो, दूसरे तरफ तुम्हारे यहां शादी होती है, बोलो बैंड बाजा के साथ बारात निकलती है कि नहीं? बोलो ना भाई, हाँ या नहीं? एक तो ऐसी ही निकाह के बाद लड़के की जिंदगी का 12 बजने वाला है, ऐसी ही 12 बजने वाला है। अब उससे पहले तुम 12 बजा रहे हो तो कैसे मुसलमान है तू बता? या हुसैन के नाम का नारा लगाने वाले बताओ तुम। एक तरफ तुम हो, नारा भी लगाते हो, तुम्हारी बारात निकलती है तो तुम्हारा बाराती नाचते जाता है, हिजड़े की जगह वो हिजड़ा का काम करता है, छक्कों की जगह वो खुद छक्का बना रहता है, नाचता है, डांस करता है, पटाखा फोड़ता है। दस मुहर्रम को या हुसैन करबला दूर है? जोर से बोलो, करबला दूर है? बेटा नाचते हुए, जुआ खेलते हुए, गैरत करो। तुम हो, तुम्हारी बारात निकलती है तो तुम्हारा बाराती नाचते गाते डांस करते जाता है। मगर खुदा की कसम, एक बारात हुसैन के अब्बा हजरत अली के घर से निकली, अब पहुंची थी मुस्तफा जाले रहमत के घर। बाराती सिद्दीक, उमर, उस्मान, तुम्हारा बाराती नाचते गाते जाता है, मगर अली की बारात निकलनी थी तो अबू बकर कुरान की तिलावत करते जा रहे थे, उमर कुरान पढ़ते जा रहे थे, उस्मान कुरान पढ़ते जा रहे थे। अगर तुम सच्चे हुसैनी हो तो तुमको अहम करना होगा। आज के बाद हमारे घर से बारात निकलेगी तो हम नाचते गाते नहीं जाएंगे, बल्कि हम मुस्तफा पर दरूद ए सलाम। आपकी ये मरकजी मस्जिद है,
जमुआ जो है सेंटर है ना महेश भाई, सेंटर है, तो सेंटर को बिल्कुल सेंटर की तरह रहना चाहिए, बिल्कुल सेंटर की तरह। और आप लोगों के अंदर आपस में इतनी मोहब्बत होनी चाहिए। मैंने रोका है मौलाना अलाउद्दीन साहब को तकरीर करने के लिए कि आप तकरीर कर दीजिएगा तो मुझको पूछेगा। ये आप लोगों के लिए एक और अच्छी बात है कि इतना बड़ा आलिम दीन आपके यहाँ गलती से इन्होंने मकान बना लिया। तो आप लोगों को आपकी भी जिम्मेदारी है मैसर भाई, जाहिर साहब अल्लाह ने आपको बहुत दिया, अल्लाह और दे, मगर आपके माल में सिर्फ आपका हक नहीं है बल्कि इस माल में गरीबों का भी सबका हक है। ए बेटा बाबू पैर मोड़ लो, जब टाइम होगा तो हम लोग भी जाके पसरवा देंगे। ओ अच्छा, मजबूरी है ना, दुआ कीजिए अल्लाह ताला इसके पैर में ताकत अता फरमाए। जोर से बोलिए ना भाई आमीन, अल्लाह सेहत दे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था जमुआ वालों से, आपकी मस्जिद खूबसूरत है और खूबसूरत होनी चाहिए। और जहां मस्जिद खूबसूरत हो वहां जमुआ के लोगों को खूबसूरत होना चाहिए। आपस में जिस तरह गोश्त हड्डी से चिपक के रहता है वैसे ही आप एक दूसरे के साथ चिपक के रहे। आज जिस दिन पूरे भारत में आपने देखा नहीं एक इत्तेहाद हुआ किसान लोगों का, लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। और मेरा कुरान का तो पहले ही ऐलान है कि वह आता से मुंह बेहब लीला है जमिया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो वाला तफरकू, आपस में तफरका मत पैदा करो, एक दूसरे के खिलाफ पिनबाजी मत। आपकी 2 रुपया की चाय पिया उसकी शिकायत आपके पास, वहां से उठा मेरे पास आया बगैर चीनी के चाय पिया अब उसकी शिकायत, जानते हैं सर वो आदमी ठीक नहीं था। ये बहुत बड़ा मुनाफिक है। और ऐसी ही लोगों से कमेटी का, समाज का, मुआशरे का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अल्लाह नाराज है, कभी आपने सोचा संजीदगी से चेहरे पर मास्क लगा के घूम रहे थे ना भाई, बगल से कोई पास हो जा रहा था गुजर जा रहा था तो पते नहीं चल रहा था कि सिगरेटी साहब जा रहे हैं या सदर साहब जा रहे हैं। हाँ उस दरमियान हमको भी कोई घूम गया कि हजरत हम आपके बगल से गुजरे, सलाम किया, आप ध्यान नहीं दिए, हम बोले लगाए हुए थे। हाँ लगाए हुए थे, हम बोले आग लगाओ, लोना लड़की के बाप से खेत बेचवा कर 1.5 लाख रुपया अभी तो चेहरा दिखाने के लायक नहीं रखे, कोरोना ऐसी ही नहीं आया कोरोना। आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका में बहुत पहले ये पाबंदी लगी कि मुस्लिम लड़कियां चेहरे पर हिजाब नहीं लगा सकती, ये पाबंदी लगी थी ना, नहीं लगा सकती। लोगों ने कहा कि
मुस्लिम लड़कियां हिजाब लगाएगी ये कानून वापिस लो, अमेरिका का नहीं लेंगे। कोरोना ने कहा रुको बेटा हम आ रहे हैं, कहा लेगा कहा नहीं लेंगे कहा हम आ रहे हैं। और आया तो अमेरिका में लेडीज क्या लेडर्स को भी लगाना पड़ा। सारा का हम सुपर पावर, अमेरिका चिल्ला रहा था चीन अलग रूस अलग, मगर एक कोरोना ने पूरी दुनिया को बता दिया कि याद रखना दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई सुपर पावर ताकत नहीं। एक कोरोना ने, अब कोरोना क्या है ये अल्लाह का अजाब है। छोड़ दो इमाम को उंगली करना, छोड़ दो, पांच वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगा 50 वक्त इमाम के पीछे पड़ा रहेगा, इमाम के पीछे। 1 जनवरी को एक मौलाना साहब चले गए थे घूमने के लिए अपने बच्चों को लेके, एक आदमी ने कहा मौलाना आप यहां, तो मौलाना ने कहा तुम क्या कर रहे हो, यानी मौलाना साहब नहीं आए है, मौलाना नहीं है और अपने फैमिली के साथ है, आप बेकार है जात के है। और इधर जैसे लग रहा है कि मौलाना राण बेवा है, इसका कुछ है ये नहीं है। अरे इसके भी बाल बच्चे हैं, अगर मौलाना साहब अगर बुल्ले से घूम गए यही रह गया लो, कुफ्र है गुनाह है। ताजिम करो, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूं, तजर्बे की बुनियाद पर। वो वक्त आने वाला है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे नहीं, जनाजा पढ़ा रहेगा नमाज पढ़ाने वाला इमाम नहीं मिलेगा। इसलिए कि लोग इतना तंग आ चुके हैं, इतना तंग आ चुके हैं कि वे छोड़ो हम तो खेल रहे हैं, मेरा बेटा क्यों खेलेगा, हम बेटे को क्यों उस लेन में लाएंगे। ये ज़हन आपको बदलना होगा, खातिर खातिर मत करनी होगी। और याद रखिए कुरान की एक आयत सुनिए, अल्लाह फरमाता है वाला नुज़ीक़न मिन अज़ाबिल अदना दूल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। शानदार हाफिज हजरत अलहाज जफर तशरीफ रखते हैं, अल्लाह सलामत रखे, है ना। अल्लामा हसन साहब बहुत अच्छे शायर, मौलाना हसमत साहब मोटा मोटी इनकी भी शायरी ठीक होती है। किधर चलेगा मौलाना हसमत साहब, अच्छा खुदा हाफिज। मौलाना हसमत साहब आप आइए जल्दी से, और मेरी जिंदगी के बड़े मुहसिन हजरत अल्लामा अलहाज दिलकश राठी साहब, मुफ्ती साहब तुगला जी, कम से कम इतना तो है कि ये खुद लिखते हैं उसके बाद पढ़ते हैं, वरना बहुत सारे लोग तो इनसे लिखा के पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे और सबको मेहनत की तौफीक अता फरमाए, है ना। हमारे मुफ्ती साहब तुगला हम कहेंगे तो आप समझिएगा कि इनके मदरसे में है, दोनों साथ में रहते हैं इसलिए तारीफ कर रहे हैं। मेरी नजर में आलिम रब्बानी बहुत कम लोग, आलिम तो हैं, आलिम रब्बानी बहुत कम लोग हैं। अच्छा हमारा मौलाना भी हाँ ये भी है, अच्छा हमारा मौलाना लोग भी कम नहीं है,
मोटरसाइकिल पे बैग लिया है, हाथ में लाल रंग का रुमाल और टोपी यहाँ ऐसे और चश्मा यहाँ पे। आप बोलिएगा कि कौन इज्जत करे तो आपको भी वैसा बनना होगा, आपको भी इज्जत पैदा करनी होगी ना। आप फुरफुराइएगा, कभी टोपी ढोकरी में भर के घूमिएगा और लोग कहेंगे मौलाना साहब नहीं कहते हैं ना, इज्जत देवे इज्जत पावा जावे। हाँ बंगला में मैं इंग्लिश भी बोलता हूँ, इंग्लिश भी बोलते हैं, कुछ कुछ रट के बोलते हैं। हाँ जहाँ लोग समझते हैं वहां नहीं बोलते हैं ना। वो तो हमारे कारी निसार साहब है कलकत्ता के, कोई लतीफा नहीं है। कारी निसार साहब तकरीबन 2003 या 4 में हज करने जा रहे थे तो उनको किसी ने समझा दिया था कि जहाज में इंग्लिश बोलना पड़ता है, तो ये कुछ याद कर लिए। इधर से गए तो कोई कुछ बोला नहीं, उधर से फिर जहाज से वो जब चले इन्होंने कहा इतनी मेहनत से इंग्लिश याद किए हैं, कम से कम कुछ बोले तो इनको भी शौक सूझा इंग्लिश बोलने का। तो एयर होस्टेस जो रहती है उसमें खिदमत करने वाली, तो इन्होंने उसको कहा प्लीज कम इन हेयर क्विक। तो वो आई कहीं यस सर, वो समझे कि काफी ये इंग्लिश पढ़ा लिखा है। तो कारी साहब ने कहा गिव मी कोल्ड वाटर प्लीज, है ना। तो ला करके एक बोतल ठंडा पानी दी, थी उनके बगल में कुछ लोग बैठे हुए थे, कहा कि बाप रे बाप कारी साहब इतनी अच्छी इंग्लिश जानते हैं। तो उसने कहा कारी साहब मेरे लिए भी एक बोतल मंगा दीजिए। अब कारी साहब बोले मैं सर पकड़ लिया, इसकी इंग्लिश तो हमको आती ही नहीं है, और अगर नहीं मंगाते हैं तो बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। उसने कहा कारी साहब मंगाइए, का साइलेंट 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 का बहुत इंग्लिश बोलते हैं, का आई एम इंग्लिश स्पीकिंग का। उस वक्त भी हमारा मिजाज थका नहीं, का कारी साहब मेरे लिए एक बोतल मंगा दीजिए, का मैंने दिमाग लगाया, मैंने ये होस्टेस से कहा प्लीज कम इन हेयर, का यस सर, का वाटर। क्या क्या करे मेरे भाई, इसकी इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने वो आई कही है सर मैंने वाटर वाटर, है ना। वो एक बोतल उसको भी ला के दी और वो समझी कि काफी इंग्लिश पढ़ा लिखा है, कई तपाक से वो मेरे पास आकर बैठ के इंग्लिश बोलने लगी। तो जब मैं देखता था उसका चेहरा मुस्कुरा रहा है, हम कहते हैं जब देखते थे उसका चेहरा लटक गया तो हम समझते थे परफॉर्म वाली बात करेंगे। तो बहरहाल कुरान की एक आखिरी आयत सुन लीजिए, अल्लाह के वास्ते इत्तेहाद पैदा कीजिए। अब लड़ने झगड़ने आपस में भिड़ने की जरूरत नहीं है। अभी आपका इलेक्शन आएगा पंचायत मुखिया का, आप जिसको चाहिए अपने पसंद के मुताबिक वोट दीजिए, मुझको मेरे बाप को इससे कोई मतलब नहीं है। मगर खुदा के वास्ते आपस में लड़िए मत लड़िए, टेंशन मत लीजिए, एक जगह रहना है, एक जगह खाना है, एक जगह बैठना, इलेक्शन आज है कल गुजर जाएगा, रहने तो आपको है। आप लड़ेंगे दूसरा आपकी नफाक का गलत फायदा, इसलिए मुत्तहिद रहिए, अल्लाह से डरिए। अल्लाह फरमाता है वाला नबी कल नहू मेरा लाजाब इन अदना, कि हम बड़े अजाब को भेजने से पहले छोटा छोटा अजाब भेजते। अल्लाह हो, अल्लाह फरमाता है कि हम बड़े अजाब को भेजने से पहले छोटा छोटा अजाब भेजते। ये कोरोना जो है ये छोटा अजाब है, याद रखिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कुरान की आयत है, छोटा अजाब है। क्यों लाल रहूं या जरूर, ताकि लोग अल्लाह की जानिब फिर जाए।
वापिस हो जाए। आप बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। गरीब बाप के, गरीब बेटियों के बाप से खेत बेचवाना बंद कर दीजिए, वरना जब भारत में एनआरसी होगा तो वो जमीन कहां से दिखाएगा, कागज कहां से दिखाएगा, सब तो बेटी की शादी में वो बेच चुका है, कहां से दिखाएगा। अगर कोई बेघर होता है कहीं इधर से उधर जाता है, इसकी जिम्मेदारी कौम के नौजवान लड़कों पर होगी कि तुमने लड़की के बाप को जमीन बेचने पर, खेत बंधक रखवाने पर मजबूर किया था, रोड पर आने पर तुमने मजबूर किया था। शर्म नहीं आती? मस्जिदों से ऐलान होता है कि फला जगह से लोग आए हुए हैं, उसकी बेटी की शादी है, आप लोग कुछ मदद कर दीजिए। खुदा की कसम लगता है जमीन फट जाए और धस के मर जाए। क्या जरूरत है 200 लोगों को लेकर के बारात जाना? क्या जरूरत है डीजे बजाना, गाना बजाना, पटाखा छोड़ना? अरे मस्जिद मदरसा में 5 लोगों के साथ निकाह करो, 5-5 लोगों के साथ निकाह करो और इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों के तालीम पर खर्च कर दो। बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस ताकि तुम्हारा समाज, तुम्हारा माशरा सुधरेगा। अब माशरे में इंकलाब पैदा होगा। बंद कर दीजिए मुसलमान, बंद कर दीजिए लड़कियों को बाप से नकदी लेना, फरमाइश करना, लड़कियों के बाप को, गरीब बाप को मस्जिद के दरवाजे पर हाथ फैलाने पर मजबूर करना बंद कर दीजिए। वरना ये कोरोना आया है, अगर इसका बाप आएगा, अल्लाह फरमा रहा है कि छोटे बड़े आजाब को भेजने से पहले छोटा आजाब भेजते हैं, इसलिए आप छोड़ दीजिए। अल्लाह नाराज है, अल्लाह नाराज है। अल्लामा हसन रजा अख्तर साहब ने मुझसे कहा था रमजान में, किसी ने इनसे कहा कि अल्लाह इतना नाराज हो रहा है।